टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 10. इट्स नेम इज वेदर एंड सीजंस. वेदर का मतलब है मौसम और मतलब है ऋतुएं. मौसम और ऋतुएं. तो देखिए ये पिक्चर्स दे रखी हैं. नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स हिडन इन द जंबल्ड वर्ड्स. आई सी ओ डी, तो इसको जंबल करके क्या बनेगा? कोल्ड. कोल्ड, ये बच्चा देखो फायरप्लेस पे आग सेक रहा है. सेकंड पिक्चर में ये जंबल द लेटर्स है, जंबल लेटर्स हैं ये. आइसक्रीम, ये छोटा सा बच्चा आइसक्रीम खा रहा है. और इन अल्फाबेट्स को जंबल करने से मिलेगा, इनको अनस्क्रैम्बल करने से मिलेगा अम्ब्रेला. ये लड़की अम्ब्रेला लेकर खड़ी है, बारिश का मौसम है तो अम्ब्रेला लेकर खड़ी है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर. वेदर का मतलब है मौसम. वेदर मींस मौसम. तो क्या होता है मौसम? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर. मौसम जो है वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होता है. एटमॉस्फेयर क्या होता है? वायुमंडल, बाहर का वातावरण, बाहर का जो वायु का जो माहौल होता है, भी वायु कैसी है. कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की, वायु की कंडीशन, उसकी स्थिति कैसी है. ऑफ अ प्लेस, एक स्थान पर, एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक खास समय में, कि एक निश्चित समय पर, एक जगह पर, एक निश्चित समय पर वायुमंडल की स्थिति कैसी है, उसे हम मौसम कहते हैं. वायुमंडल की स्थिति गर्म होगी तो गर्मी का मौसम होगा, वायुमंडल की स्थिति सर्द होगी तो सर्दी का मौसम होगा. Changes in weather are mostly caused by the sun. Changes in weather, मौसम में परिवर्तन किस कारण से होता है? Mostly caused, caused मतलब कारण बनना, by the sun, wind, clouds and rain. जो मौसम में बदलाव, मौसम में चेंज होता है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? एक तो सूर्य, wind, wind का मतलब हवा, क्लाउड्स का मतलब बादल और रेन का मतलब बारिश. सूर्य, हवा, बादल और बारिश, इन चार चीजों के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम में चेंज होता है. इट कैन बी वार्म, कोल्ड, विंडी, सनी, ह्यूमिड और क्लाउडी. मौसम कैसा हो सकता है? ये गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, विंडी मतलब हवा वाला हो सकता है, सनी धूप वाला हो सकता है, ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब घुटन भरा हुआ, घुटन वाला. कभी कभी मम्मा कहती है ना कि गुम हो रखा है, मौसम गुम सा है, तो गुम मौसम हो सकता है या फिर बादलों वाला मौसम हो सकता है, बादल छाए रहते हैं आसमान में, क्लाउडी. फिर से देखो, इट कैन बी वार्म, गर्म हो सकता है, हवा वाला, धूप वाला, घुटन भरा या फिर क्लाउडी. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये देखो हॉट डे, सूर्य चमक रहा है, यहाँ पर सूर्य चमक रहा है तो ये हॉट डे है. ये देखो बच्चा आइसक्रीम खा रहा है ये गर्मी के मौसम में. विंडी डे, हवा वाला मौसम, आंधी भरा मौसम, बहुत तेज हवा चलना. ये देखो पेड़ों के जो पत्ते हैं वो एक ही डायरेक्शन में झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हवा से लहलहा रहे हैं वो एक साइड पर. कोल्ड डे, ठंडी का मौसम, देखो बर्फ पड़ी हुई है पेड़ों पर और जमीन पर, ठंडे आसमान, ठंडी जगह पर ये बर्फ पड़ी हुई है, तो ये सर्दी का मौसम है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में. सन क्या करता है? द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट विच मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट. सूर्य हमें क्या देता है? हीट, गर्मी, एंड लाइट और रोशनी. सूर्य हमें गर्मी और रोशनी देता है जो कि दिन को क्या बनाते हैं? गर्म और चमकीला. वार्म मतलब मौसम में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है. जब सूरज निकलता है तो मौसम में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो मौसम में ठंडक हो जाती है. तो सूर्य हमें गर्मी और रोशनी देता है जिससे कि दिन गर्म और चमकीला हो जाता है. Days are always warmer than nights. जो दिन होते हैं वो हमेशा गर्म होते हैं, than nights, रात की अपेक्षा.
दिन गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि दिन के समय सूर्य होता है, दिन के समय धूप होती है, रात के समय हमारे पास सूर्य नहीं होता, तो इसलिए रात जो है वो ठंडी होती है. नून टाइम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. नून टाइम, नून टाइम कौन सा होता है? दोपहर का समय, यही 12 से 2 बजे या 3 बजे तक का समय, ये हॉटेस्ट सबसे गर्म भाग होता है दिन का. आप इसमें दो इंग्लिश के रूल्स भी देख सकते हैं. ये देखो, कंपैरेटिव डिग्री वार्मर देन, वार्म से बना हुआ है वार्मर देन, और हॉटेस्ट के पहले क्या लगा हुआ है? द, ये सुपरलेटिव डिग्री है, द हॉटेस्ट. जो दोपहर का मौसम है वो दिन का सबसे अधिक गर्म भाग होता है. इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह के समय और शाम के समय, इट इज नॉट वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती. बिकॉज, क्योंकि वी गेट स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, हमें सूर्य की स्लांटिंग रेज मिलती हैं. स्लांटिंग का मतलब है टेढ़ी. ये देखो पिक्चर के अंदर, देखो ये मॉर्निंग है, ये नून है और ये इवनिंग है. हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग के समय की. मॉर्निंग के समय सूर्य, ये देखो ऐसे टेढ़ी मिल रही है, टेढ़ी, स्लांटिंग, स्लांटिंग. ये देखो शाम के समय भी ऐसे स्लांटिंग मिल रही है, टेढ़ी, सीधी नहीं मिल रही. ठीक है. इट इज नॉट वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि हमें सन से स्लांटिंग रेज मिलती हैं. बट एट नून, परंतु दोपहर को, इट इज वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी होती है. बिकॉज, क्योंकि द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड, क्योंकि सूर्य जो है वो चमकता है डायरेक्टली, सीधे ओवरहेड, सिर के ऊपर, सिर के ऊपर सीधे चमकता है, इसलिए दोपहर के समय ज्यादा गर्मी होती है. ये देखो नून के टाइम में सन जो है बिल्कुल ओवरहेड है और सूर्य की रोशनी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधी पहुंच रही है. तो इन पिक्चर्स को देख के हम बता सकते हैं कि सन क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे. मॉर्निंग के टाइम में देखो सन ईस्ट में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में. मॉर्निंग के टाइम सन उदय जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है ना, ईस्ट डायरेक्शन में होता है, और उसकी रेज स्लांटिंग होती हैं. नून के टाइम सन ओवरहेड होता है, नून के टाइम सन ओवरहेड होता है, और इवनिंग के टाइम सन जो है वो वेस्ट में सेट हो जाता है और उसकी रेज तब भी स्लांटिंग होती है. मॉर्निंग के टाइम में गर्मी ज्यादा नहीं होती, कम गर्मी होती है, लेकिन नून के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सन जो है एकदम स्ट्रेट ऊपर ओवरहेड होता है. तो दैट वाज अबाउट द सन. नाउ लेट्स रीड अबाउट विंड. विंड का मतलब क्या होता है? हवा. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला पूरा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं इसमें. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर, चलती हुई हवा को विंड कहते हैं. लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि मूविंग एयर, जो स्टिल एयर होती है उसको विंड नहीं कहते हम. स्टिल एयर मतलब रुकी हुई हवा, और मूविंग एयर का मतलब चलती हुई हवा. चलती हुई हवा को विंड कहते हैं. व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली, जब हवा बहती है, ब्लोज मतलब बहती है, जेंटली का मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे बहती है, इट इज कॉल्ड अ ब्रीज, तो उसको ब्रीज कहते हैं. ये देखो इन्हीं दो लाइंस में टू क्वेश्चंस आपको याद रखना है, इनको अंडरलाइन भी कर लेना और इसको याद भी रखना. फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज विंड, व्हाट डू यू मीन बाय विंड. अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय विंड, तो आपका आंसर क्या होगा? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. अगला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीज, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीज. The answer is, when the wind blows gently, it is called a breeze. बन गए two questions. चलती हुई हवा को, थोड़ा तेज चलती हुई हवा को विंड कहते हैं, और जब हवा बहुत ही धीरे धीरे बहती है, जेंटली ब्लो करती है, तो उसको ब्रीज कहते हैं. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग विंड्स. स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा ताकत वाली, बहुत ज्यादा तेज विंड्स, हवाएं.
बहुत ज्यादा तेज हवाएं विच आर अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग. विच मैंने जो अकम्पनी मैंने कंपनी मैंने जो कि उसको कंपनी देती है मतलब जो उसके साथ होती है. क्या होता है उसके साथ? थंडर. थंडर का मतलब है गर्जना. एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब है बिजली. जब आंधी तूफान आता है तो बिजली भी चमकती है और बादल गड़गड़ाहट से गरजते, उसको बोलते हैं थंडर. थंडर मैंने गर्जना, खूब तेज आवाज आती है आसमान से, और लाइटनिंग मैंने बिजली चमकना. जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं उसके साथ गर्जना भी होती है और बिजली भी चमकती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? स्टॉर्म्स. STORMS. स्टॉर्म्स, तूफान. स्टॉर्म्स का मतलब क्या है? तूफान. तो जब बहुत तेज आंधी चलती है, बिजली चमकती है, बादल भी गरजते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम स्टॉर्म्स कहते हैं, तूफान कहते हैं. फिर से पढ़ो इस लाइन को. स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं जिसमें कि थंडर भी होती है और लाइटनिंग भी होती है, उनको हम स्टॉर्म्स कहते हैं. समटाइम्स स्टॉर्म्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. कई बार तूफान के कारण क्या हो जाता है? लॉट ऑफ डैमेज, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है. चीजें, बिल्डिंग्स या और भी सामान डैमेज हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है. क्या क्या कर सकता है तूफान? दीज कैन अपरूट ट्रीज. ये पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता है. अपरूट, रूट से अप कर देना, जड़ से उखाड़ देना. ये पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता है. एंड ब्लो ऑफ द रूफ ऑफ द हाउस. ब्लो ऑफ, उड़ जाती हैं रूफ, मैंने छते घरों की. कई बार तूफान इतना ज्यादा भयानक होता है, इतना ज्यादा तेज होता है कि वो पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देता है और घरों की छते जो है वो उड़ जाती हैं. द हॉट ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग विंड, गर्म सूखी ताकतवर हवा. स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा. गर्म सूखी और तेज हवा विच ब्लोज, जो बहती है ड्यूरिंग पीक समर सीजन. पीक समर सीजन मतलब कि जब बिल्कुल पूर्ण रूप से गर्मी का ऋतु होती है, पूर्ण रूप से गर्मी का मौसम जब होता है, पीक समर सीजन जब होता है, तो बहुत गर्म सूखी और तेज हवा चलती है. इन द आफ्टरनून, दोपहर को, जो दोपहर को बहुत तेज हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लू. उसको लू बोलते हैं. जब मई जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जून में आपकी समर वेकेशन जब हो जाती है, तो कहते हैं ना कि बाहर मत जाओ दोपहर में, लू चल रही है, लू चल रही है. बहुत ही गर्म हवा होती है, बाहर खड़े रहना ही मुश्किल हो जाता है, तो मुंह से लपेट के सब जाते हो कि लू चल रही है. फिर से पढ़ते हैं इसको. द हॉट ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग विंड, गर्म सूखी और तेज हवा जो कि पीक सीजन में दोपहर को बहती है, उसको लू कहते हैं. इट मेक्स द वेदर वेरी अनप्लेजेंट एंड अनकंफर्टेबल. ये मौसम को बड़ा ही अनप्लेजेंट, मतलब कि सुहावना नहीं लगता उस टाइम, बहुत बुरा लगता है, और अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब कि आरामदायक नहीं होता. ये मौसम को बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट बना देती है. ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के मौसम में, कोल्ड विंड्स, ठंडी हवाएं, मेक द वेदर वेरी कोल्ड. जो सर्दी का मौसम होता है उसमें ठंडी हवाएं मौसम को बहुत ठंडा कर देती. आजकल का मौसम जैसा है, और ये अभी इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, अभी तो प्लेजेंट है. तो धीरे धीरे नवंबर अब स्टार्ट हो गया है, तो दिसंबर तक क्या होगा? तेज ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, जिससे कि मौसम और ठंडा हो जाएगा. तो फिर आप स्वेटर्स पहनना शुरू कर दोगे, ब्लैंकेट्स लेके बैठोगे बेड के ऊपर, या रजाइयां यूज करना शुरू कर दोगे. तो देखो, ये विंड वाला पार्ट जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था. पहले हमने सन की पोजीशन के कारण देखा कि मौसम पर क्या क्या असर होता है, कि सन सुबह और शाम को तो हल्का गर्म रखता है और दोपहर में तेज गर्म रखता है मौसम को. और विंड क्या है, इसके अंदर देखो कितने क्वेश्चन आए. व्हाट इज विंड, व्हाट इज ब्रीज, what डू यू मीन बाय स्टॉर्म्स, what इज लू,
तो ये चारों क्वेश्चंस इसके अंदर आ गए हैं। तो आप देख सकते हो ये स्टॉर्म्स के बारे में है, तो आप बता सकते हो स्ट्रॉन्ग विंड्स विच आर अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग, उनको स्टॉर्म्स कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे लू क्या होती है, तो आप बोल सकते हो कि द हॉट ड्राई स्ट्रॉन्ग विंड विच ब्लोज ड्यूरिंग समर सीजन इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड लू। तो ये चारों क्वेश्चंस के अंदर इसके आंसर जो है इस पैराग्राफ के अंदर है। लेट्स मूव अहेड। ये देखो मैं आप देख सकते हो ये ब्रीज की पिक्चर है, जो मतलब कि हल्की हवा जो होती है, हल्की हवा बह रही है, और ये स्टॉर्म है। स्टॉर्म से देखो कितना नुकसान हो रखा है, गाड़ी पलटी हुई है, ये तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड्स। क्लाउड्स जो है वो वेदर को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। द स्काई इज ऑलवेज कवर्ड विद क्लाउड्स, जो आकाश होता है आसमान हमेशा क्लाउड से बादलों से ढका हुआ रहता है। बट ऑन ए क्लाउडी डे, लेकिन क्लाउडी डे यानी कि जो बादलों से ढका हुआ आसमान, जिस वी सी हैवी क्लाउड्स, हमें बहुत भारी बादल दिखाई देते हैं, विच अपियर ब्लैक इन कलर्स, जो कि देखने में काले रंग के होते हैं, ग्रे से कलर के होते हैं, ब्लैक ग्रे। तो वैसे तो आसमान सदा ही बादलों से ढका रहता है, लेकिन जिस दिन बादलों वाला मौसम हो, बरसाती मौसम बोलते हैं ना कि आज बादल हो रहे हैं, बहुत रोज तो नहीं बोलते कि आप बादल हो रहे हैं बादल हो रहे हैं, तो जिस दिन आप कहते हो कि बादल हो रहे हैं, उस दिन क्या होता है, आसमान में काले रंग के बादल, थोड़े ब्लैक ग्रे से कलर के बादल छाए रहते हैं। तो वो ब्लैक या ग्रे कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर रेन भरी होती है, रेन ड्रॉप्स होती है उनके अंदर। दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेन, ये बादल बारिश लाते हैं। अ क्लाउडी डे इज कूलर देन ए सनी डे, जो क्लाउडी डे होता है वो सनी डे से ठंडा होता है, कूलर, कूल का मतलब ठंडा, जो क्लाउडी डे होता है वो सनी डे से ठंडा होता है। बिकॉज द सन्स रेज, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्टली हम तक नहीं पहुंच पाती, कैन नॉट रीच डायरेक्टली, क्योंकि किरणें धरती तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। दिस इज बिकॉज क्लाउड्स ब्लॉक द रेज ऑफ द सन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बादल हैं वो सूर्य की किरणों को ब्लॉक कर देते हैं, उसका रास्ता रोक लेते हैं। ब्लॉक करने का मतलब है रास्ता रोक लेना, जो बादल हैं वो सूर्य की किरणों का रास्ता रोक लेते हैं। आप पिक्चर में देखिए जैसे इन बादलों के पीछे सन है, अगर ये काले काले बादल नहीं होंगे तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट धरती तक पहुंचेगी और वो हमें गर्मी देगा। अब इन ब्लैक क्लाउड्स ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, इसके पीछे सन है, देखो सन की रेज जो है उसके रास्ते में ये बादल आ गए, तो सन की रेज धरती तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती, वो उनका रास्ता रोक देती हैं, तो इसलिए उस दिन मौसम ठंडा हो जाता है। क्लाउड्स आर वार्म, लेकिन जो बादलों वाली रातें होती हैं वो गर्म होती हैं, उल्टा होता है, दिन तो ठंडा हो जाता है लेकिन रात गर्म हो जाती है, वो कैसे। दिस इज बिकॉज क्लाउड्स डू नॉट अलाउ हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि बादल जो है, जो धरती से गर्मी निकलती है, धरती से जो गर्मी निकलती है वो आसमान में नहीं जा पाती बादलों के कारण। अगर बादलों ने सूर्य की किरणों का रास्ता रोक लिया तो धरती की गर्मी का रास्ता भी तो रोक लिया ना, तो जो जमीन से गर्मी निकलती है वो खुले आसमान में नहीं जा पाती, ये बादल उनका भी रास्ता रोक लेते हैं, इसलिए रात को मौसम गर्म हो जाता है। Because clouds do not allow heat of the earth to escape. Escape का मतलब होता है बच निकलना, into the atmosphere. क्योंकि धरती की गर्मी जो है वो बचकर आसमान में वायुमंडल में जा पाती। So this was about the clouds. Next is rain. बारिश, बारिश कैसे मौसम को अफेक्ट करती है। Rain also affects the weather. बारिश भी मौसम को
प्रभावी बारिश का भी मौसम पर प्रभाव पड़ता है. द वेदर बिकम्स कूल, मौसम ठंडा हो जाता है. व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है. जब बारिश होती है तो मौसम भी ठंडा हो जाता है. वी वेलकम रेन आफ्टर हॉट समर डेज, गर्मी भरे दिनों के बाद, गर्मी भरे गर्म दिनों के बाद हम बारिश को वेलकम करते हैं, बारिश का स्वागत करते हैं. फार्मर्स आल्सो वेलकम रेन, जो किसान होते हैं वो भी रेन को वेलकम करते हैं. एज इट इज गुड फॉर क्रॉप्स, क्योंकि ये फसलों के लिए अच्छी होती है. किसान भी बारिश का स्वागत करते हैं क्योंकि ये फसलों के लिए अच्छी होती है. However, too much or untimely rain can cause floods and loss of crops. However, हालांकि too much means बहुत ज्यादा, या untimely rain बेमौसमी बारिश बिना समय की, untimely rain मतलब कि बेमौसम की बारिश, बिना समय की बारिश जो है वो बाढ़ भी ला सकती है. फ्लड्स का मतलब है बाढ़ भी ला सकती है, एंड लॉस ऑफ फसलों का नुकसान कर देती है. हालांकि बहुत ज्यादा बारिश या बिना समय की बारिश जो है वो बाढ़ भी ले आती है और फसलों का नुकसान कर देती है. सम प्लेसेस इन इंडिया, भारत में कुछ जगह पर, वो क्या होता है वहां पर, लैक ऑफ रेन, बारिश का अभाव होता है, बारिश की कमी होती है. फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के, जो भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बारिश की कमी रहती है बहुत लंबे समय के लिए. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ड्राउट, इस सिचुएशन को सूखा कहते हैं. ड्राउट का मतलब है सूखा. आपने सुना होगा कि कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा पड़ गया. जहां पर बारिश हो गई, बहुत पानी भर गया, तो वहां पर तो बाढ़ आ गई. और लेकिन जहां पर बारिश जितनी जरूरत थी उतनी भी नहीं हुई, जमीन सूख गई, फसलें खराब हो गई, तो उस स्थिति को कहते हैं सूखा, जहां पर बारिश हुई ही नहीं. ड्यूरिंग ड्राउट्स, सूखे के दौरान, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स डाई. तो सूखे के कारण क्या होता है, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स मैंने जानवर, और इवन ह्यूमन बींग्स भी मर जाते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फूड, लैक मतलब कमी, पानी की कमी के कारण और भोजन की कमी के कारण वहां के प्लांट्स, एनिमल्स और यहाँ तक कि मनुष्य भी कई बार मर जाते हैं. आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये रेनी डे है, बारिश आ रही है, लड़की छाता लेकर खड़ी है. ये देखो, ये पानी भर गया सड़कों के ऊपर, जरूरत से ज्यादा सब जगह पानी पानी हो गया तो भी नुकसान होता है, इसको फ्लड बोलते हैं. और ये देखो, ये सूखा पड़ गया, धरती के अंदर दरारें पड़ गई, देखो सूख गई है जमीन. बारिश नहीं हुई तो खेती भी नहीं हुई, तो लोगों के पास, जानवरों के पास, प्लांट्स भी पानी की कमी से मर जाते हैं. ना उनके पास पीने के लिए पानी होता है और ना ही खाने के लिए खाना होता है, क्योंकि फसल तो हुई नहीं. तो नेक्स्ट टॉपिक है वेदर फॉरकास्ट, मौसम का पूर्वानुमान. वेदर फॉरकास्ट क्या होता है, मौसम का पूर्व अनुमान. अनुमान मतलब पहले ही अनुमान लगा लेना, पहले ही आइडिया लगा लेना कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है. नाउ अडेज मतलब आजकल, वी कैन रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर इन एडवांस. हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं मौसम के बारे में एडवांस में, पहले ही. आजकल हम मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही प्राप्त कर सकते हैं. दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में, भविष्य के मौसम के बारे में, इज नोन एज वेदर फॉरकास्ट. तो इस तरह मौसम के भविष्य की जानकारी पहले ही मिलने को क्या कहते हैं, वेदर फॉरकास्ट कहते हैं, मौसम का पूर्व कहते हैं. फिर से पढ़ते हैं दो लाइनों को. नाउ अडेज, आजकल, वी कैन रिसीव इंफॉर्मेशन,
हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं मौसम के बारे में पहले से ही। हम पहले से ही मौसम के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर फ्यूचर वेदर इज नोन एज वेदर फोरकास्ट, कि भविष्य के मौसम के बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन लेने को वेदर फोरकास्ट कहते हैं। न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन गिव अस वेदर फोरकास्ट। न्यूज़पेपर क्या होते हैं? अखबार, रेडियो और टेलीविजन हमें मौसम का पूर्वानुमान देते हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम आगे के मौसम कैसे रहने वाला है, रेडियो पर जानकारी मिल जाती है और टीवी पर भी हम न्यूज़ में सुन सकते हैं कि आगे मौसम कैसे रहने वाला है। पीपल हु स्टडी वेदर चेंजेस आर कॉल्ड मेटियोरोलॉजिस्ट। पीपल वो लोग जो कि मौसम के चेंज की स्टडी करते हैं, वो लोग जो कि मौसम के चेंज को पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मेटियोरोलॉजिस्ट, उनको मेटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। वेदर फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ वेदर स्टेशंस बोथ ऑन लैंड एंड द सी। वेदर फोरकास्ट, जो मौसम का पूर्वानुमान है, वो कहाँ लगाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ वेदर स्टेशंस। वेदर स्टेशंस बने होते हैं जगह जगह पर। कहाँ कहाँ बने होते हैं? लैंड पर और समुद्र पर। धरती पर और समुद्र पर वेदर स्टेशंस बने होते हैं, उनकी हेल्प से वेदर फोरकास्ट किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, जो मेटियोरोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? दे मेजर रेनफॉल, क्लाउड कवर एटसेट्रा। वो क्या नापते हैं? बारिश का गिरना, क्लाउड कवर की कहाँ कहाँ बादल रहेंगे, ये सब वो मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस एंड इज रिटन एज डिग्री सी। जो टेम्परेचर को किस चीज में नापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। जब भी किसी चीज का टेम्परेचर हम लिखते हैं तो ऐसे ऊपर जीरो सी डाल के सी लिखते हैं, इसका मतलब होता है डिग्री सी, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।